हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, मैं संदीप कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जो अभी हाल ही में ग्रुप डी की वैकेंसी राजस्थान में आई हुई है। तो फ्रेंड मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइज मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट रेड कलर के बटन पर आप क्लिक करके। ठीक है, तो मैं आपका जैसे मैं ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट, ठीक है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, सरकारी रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है फर्स्ट लिंक के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे www.sarkarresult.com आपको गाइस ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। अगर आप अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की न्यूज लेना चाहते हैं, आप इस साइट पे भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म। आपको गाइस इसके ऊपर फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2019 राजस्थान हाई कोर्ट RSC जोधपुर जयपुर एंड इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। गाइज इसमें आपकी जो एप्लीकेशन की जगह है, जो आपकी इसमें लोकेशन दी गई है जोधपुर और जयपुर, जो आपकी जॉब लोकेशन है गाइज जोधपुर और जयपुर की है, ये आपके राजस्थान के फॉर्म है, ठीक है। और नीचे देखिए एप्लीकेशन बिगिन। गाइज जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है, आप 18 तारीख से इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, जिसमें आपकी लास्ट डेट दी गई है 17 तारीख की, इसमें लास्ट डेट दी गई है आपसे। अगर गाइज इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, इसमें जनरल ओबीसी के लिए ₹150 फीस आपकी मांगी गई है, और SC ST PS के लिए, PS गाइज वो होते हैं जो हैंडीकेप्ट होते हैं, उनके लिए गाइज ₹100 फीस में, ठीक है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और पे द फीस थ्रू ई मीटरा। गाइज अगर आपके पास नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड है, आप उससे अपनी फीस को पे कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स अगर आपके इसमें टोटल पोस्ट की बात की जाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3678 आपकी इसमें टोटल पोस्ट दी गई है, ठीक है। पोस्ट नेम ग्रुप डी क्लास फोर्थ, ओके। आपकी जो वैकेंसी गाइज क्लास फोर्थ के लिए है, और यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट 3678 की पोस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट, इसमें आपकी एज की बात की जाए फ्रेंड्स, इसमें आपकी कम से कम एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, 18 या 40 या फिर इसके बीच में हो वो भी चल जाएगी, ओके। और फ्रेंड्स और दोस्तों इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एंड रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया। गाइज आपने मतलब पूरे भारत से कहीं से भी अपने 10th पास कर रखी हो, कौन सी स्टेट से पास कर रखी हो, लेकिन आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म को भर पाओगे अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, या फिर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एरिया वाइज वैकेंसी डिटेल्स है। गाइज यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अदर कोर्ट, तालुका, लोक अदालत। इसमें फ्रेंड्स आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी 36 क्या कहते हैं आपकी 3159 वैकेंसी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अदर कोर्ट, तालुका, लोक अदालत में आपकी 345 वैकेंसी है। गाइज मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस फॉर्म को फिलअप करिए, क्योंकि इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, 3159 आपकी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आप गाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आराम से। अगर आपकी मर्जी है गाइज आप कौन से भी कर सकते हो, लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि इसमें आपकी अच्छी वैकेंसी आपका नंबर इसमें पड़ जाए, ठीक है। और फिर नीचे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 18/11/2019। गाइज जो फॉर्म है आप 18 तारीख से फिलअप कर पाओगे, मतलब कि कुछ ही दिन बाद ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, इस फॉर्म का आप आराम से भर पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। और गाइज जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते, जैसे कि हरियाणा, यूपी, पंजाब हो गया, गाइज वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन गाइज आप इसमें जनरल में काउंट होगी, बस यही प्रॉब्लम है, और बाकी आप बिल्कुल सेम रहेगा आपका, ठीक है। जो भी अदर कास्ट से मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जनरल में काउंट हो जाओगे और कुछ नहीं होगा गाइज, ठीक है। आप इस फॉर्म को फिलअप आराम से कर सकते हो। और गाइज आपकी वैकेंसी आपको मैं आपको बता दी है। गाइज आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना हो, आपको कुछ भी डाउट लगे, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।